पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था, सूखा वेदर था। फॉग कुछ कुछ जगह में हुआ है। ओंगोल, कटक, बौद्ध, नयागढ़, पुरी, बोलांगीर, कंधमाल, कालाहांडी, कंधमाल और हमारा नयागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। और अभी मिनिमम टेम्परेचर जा था, लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर फुलवानी में हुआ है 8.0 डिग्री सेंटीग्रेड। और सभी जिला में लगभग नॉर्मल का स्वाभाविक का आसपास ही टेम्परेचर था। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह में बिलो नॉर्मल था। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, इसमें अगला 5 दिन ही ड्राई वेदर रहेगा, ड्राई और सूखा वेदर रहेगा। अभी फॉग कंडीशन जारी रहेगा और 2-4 दिन। इसमें फॉग जो है शैलो टू मॉडरेट फॉग ओंगोल, कटक, जगत सिंहपुर, कंधमाल, भद्रक, खुर्दा, नयागढ़, बौद्ध, कोरापुट, पुरी, मलकानगिरि, कालाहांडी, ढेंकनाल, जाजपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में अंदर में कुछ कुछ जगह में होने का चांसेस है। डेंस फॉग भी होने का चांसेस है, मेनली ओंगोल, कटक, जगत सिंहपुर, कंधमाल, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में डेंस फॉग का चांसेस है नेक्स्ट 24 आवर्स में। 24 आवर्स के बाद भी फॉग कंडीशन रहेगा, मेनली मॉर्निंग आवर्स में ही रहेगा। मीन्स हमारा 4 तारीख सुबह भी भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, जगत सिंहपुर, कंधमाल, 5 तारीख पे भी कोस्टल एरिया में कुछ कुछ एरिया में फॉग रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर अभी ज्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है अगला 2 दिन में। 2 दिन का बाद दो मेनली नॉर्दर्न ओडिशा में 2 दिन का बाद टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करने का चांसेस है, ग्रेजुअली राइज करेगा। और साउथर्न में भी 2-3 दिन का बाद थोड़ा राइज करने का चांसेस है, 2-3 डिग्री राइज करने का चांसेस है। तो अभी जो नॉर्मल का आसपास है उस समय थोड़ा अबव नॉर्मल कुछ कुछ जगह में होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में कल मेनली प्लेयर्स का ही रहेगा। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मिस्ट व शैलो फॉग होने का चांसेस है और मिनिमम टेम्परेचर 13 का आसपास रहने का चांसेस ही है।